Hi students, myself Prakash Vadwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Right now we are studying chapter number 4th of class 6th, subject English, medium English. And today we will discuss about activity 5, a new dish, part 2. So if you haven't watched the part 1 of this story, A New Dish, then watch it, otherwise you will not understand this part. Okay. You can go through my YouTube channel for watching the part 1 of this story. The name of my YouTube channel is Prakash Vadwana, an English teacher. Okay. So let's start. Do you need to read part 1 again? So do you need read to nahi, but do you need to watch part 1 again? Agar zaruri hai to aap dekh sakte ho again. Okay, now let's start. The cook stepped outside, looked up at the tree, and suddenly he had an idea. Ab jaise hi wo bahar nikla room se, tab वहाँ पे उसने क्या देखा, एक ट्री देखा. बट कौन सा ट्री था स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड, कोकोनट. और सडनली उसको देख के उसको एक आइडिया आया. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बीट्स एंड वॉश्ड देम. सारे के सारे वेजिटेबल बीट्स उसने लिए. नो, बीट्स मीन्स व्हाट? पीसेस. और सबको वॉश कर दिया, क्लीन, अच्छे से साफ कर दिया, क्लीन देम वेल एंड कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. और सबको लॉन्ग स्ट्रिप्स में वो कट करने लगा. स्ट्रिप मीन्स अ लॉन्ग फ्लैट नैरो पीसेस, लंबे लंबे फ्लैट नैरो पीसेस कट करने लगा सारे के सारे वेजिटेबल बीट्स का. एंड देन ही पुट देम ऑल इनटू अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक. सारे के सारे स्ट्रिप्स को बड़े से ह्यूज पॉट में डाल दिया. और वो बड़ा सा पॉट कहाँ पे रखा उसने? फायर के ऊपर, कुक के लिए, पकाने के लिए. नेक्स्ट ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट. नाउ ग्राउंड, ग्राउंड इज द पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, जिसका मतलब होता है क्रश्ड इनटू स्मॉल पीसेस. तो कोकोनट को उसने क्रश कर दिया, ग्राउंड कर दिया. ही एडेड ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड सम सॉल्ट. और उसके अंदर उसने क्या ऐड किया? ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड सॉल्ट, नमक डाला. ओके, सून द वेजिटेबल्स वेयर ऑल कुकड. अब वो सारे के सारे वेजिटेबल्स पक रहे हैं, कुकड हो रहे हैं. ही स्टर्ड इन द कोकोनट एंड प्लेंटी ऑफ कर्ड पॉड ऑन सम कोकोनट ऑयल एंड स्प्रिंकल्ड इट ऑल विथ करी लीव्स. स्टर्ड किया, पकाया उसने कोकोनट ऑयल के अंदर, पकाया उसने सॉरी कोकोनट के अंदर. और उसमें बहुत सारा कर्ड, कर्ड मीन्स दही, दही डाला, थोड़ा कोकोनट ऑयल भी उसके अंदर पॉड किया, पॉड मीन्स डालना. और करी लीव्स, करी मतलब अ काइंड ऑफ स्पाइस, फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए उसने करी लीव्स भी डाली. घर पे कढ़ी बनाते हो ना, वो वाली, उस कढ़ी बनाते के टाइम पे आप लोग, मतलब सॉरी आपकी मम्मा लीव्स डालती होगी ना, स्प्रिंकल मीन्स डालना. तो उसने क्या किया, सारे के सारे वेजिटेबल्स पकने दिए, उसके अंदर कोकोनट डाल दिया, वो पूरा को पूरा जो उसने बनाया ना कोकोनट को ग्राउंड करके, उसके अंदर ग्रीन चिली, गार्लिक और सॉल्ट, तो सब कुछ उसने वो बड़े से पॉट के अंदर डाल दिया. और पॉट में क्या था? वो लॉन्ग स्ट्रिप्स वेजिटेबल बीट्स के. और फिर उसने दही डाला, कोकोनट ऑयल भी डाला और करी लीव्स भी डाले टेस्ट के लिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द न्यू डिश वॉज रेडी, एक नई डिश रेडी हुई. द कुक सर्वड हिज इन्वेंशन टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग. अब ह्यूज डिनर था, डिनर मतलब रात को ही होता है, स्टार्ट हुआ डिनर. और वो कुक ने जितने भी गेस्ट्स आए थे शाम को,
उसको अपना नया जो इन्वेंशन, उसने जो नई डिश बनाई थी वो सबको सर्व किए। द गेस्ट्स लव्ड इट, जितने भी गेस्ट आए स्टूडेंट्स उन सबको ये डिश बहुत ही अच्छी लगी। द किंग लाइक्ड इट सो मच दैट ही गेव द कुक अ ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट एज अ रिवार्ड। और किंग को भी ये डिश इतनी अच्छी लगी ना स्टूडेंट्स कि राजा ने भी उसको क्या दिया, एज अ रिवार्ड प्राइज दिया, वो भी क्या, खूबसूरत गोल्ड ब्रेसलेट। और ब्रेसलेट मतलब क्या है पता है, अ पीस ऑफ ज्वेलरी वन अराउंड द रिस्ट और द आर्म। रिस्ट के अराउंड आप लकी कहते हैं ना, लकी पहनते हैं हाथ पे, रिस्ट के अराउंड गोल्ड की, सोने की दी उसको। सोचो आप कितने खुश हो गए राजा, और गेस्ट भी बहुत खुश हो गए, उनको बहुत ही अच्छी लगी ये डिश। नाउ एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सारे के सारे लोग ईगर हैं जानने के लिए, बेताब है कि ये नई डिश का नाम क्या है। कुक ने तो नाम सोचा ही नहीं था, उसने तो वेस्ट में से बेस्ट किया था, जो वेजिटेबल स्क्रैप्स पड़े थे उसमें से उसने ये सारी चीज़ बनाई थी, मतलब ये नई डिश बनाई थी। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर का नाम है ना, ट्रैश टू ट्रेजर, कचरे में से खजाना, तो उसने एक वेजिटेबल स्क्रैप्स जो पड़े हुए थे, वेस्ट थे, जिसको वो फेंक देने वाला था, उसमें से एक नई चीज़ बनाई, नई डिश बनाई जो सबको बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन उसने ये नाम तो सोचा ही नहीं था, उसको थोड़ी पता था कि ये डिश सबको अच्छी लगेगी। व्हाट कुड ही कॉल दिस मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, क्या कहेगा वो ये चीज़ को जो बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर है। बहुत सोचा, बहुत सोचा उसने। देन ही थॉट ऑफ इट, ही नेम्ड द डिश अवियर। सोचने के बाद उसने क्या नाम दिया ये डिश को, अवियर। ओके, नाउ अवियर बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल फिश्स ऑफ केरला। तो अवियल नाम की जो डिश है ना, वो पूरे केरला में आज भी फेमस है। और उनकी जो ट्रेडिशनल फिश होती है ना, केरला की ट्रेडिशनल फिश, ट्रेडिशनल मतलब कोई भी इवेंट या शादी वादी कोई भी हो तब ये डिश बनाई ही जाती है, कंपल्सरी ट्रेडिशनल फिस्ट में आ गया ये केरला की। तो आप सोचो, वेजिटेबल स्क्रैप में से बनाई हुई, ऐसा ही उसने तो बनाया था ना, उसको नहीं पता था कि ट्रेडिशनल डिश बन जाएगी केरला की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फोटो में देखेंगे कि अवियल डिश कैसी होती है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर, दिस इज द डिश मेड बाय द कुक। सेम फोटो नहीं है बट ये अवियल डिश है जो पूरे केरला में फेमस है और ट्रेडिशनल फिश्स बन गई है केरला की। ओके, ये दूसरा फोटो है अवियल, टेस्टी। ओके, नेक्स्ट, सो इजंट इट अमेजिंग दैट इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ स्क्रैप्स एंड अ गुड आइडिया। तो ये चीज़ अमेजिंग है ना, बहुत ही अमेजिंग है कि एक स्क्रैप्स का जो बास्केट था उसमें से उसने एक ऐसी डिश बनाई, ऐसी डिश क्रिएट की जो पूरे केरला में फेमस हो गई और उसकी ट्रेडिशनल फिस्ट बन गई। तो आप लोग भी स्टूडेंट्स वेस्ट में से बेस्ट कुछ ना कुछ बना सकते हो, बस आपको सिर्फ सोचना ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वेस्ट में से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं ट्रेस टू ट्रेजर के, आप उसमें से आइडियाज़ भी ले सकते हो और उसमें से भी आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो बाहर आएगी। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड this story and we will end this session.
एंड ऑल्सो वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, ट्रैश टू ट्रेजर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट। थैंक यू वेरी मच।